सो गाइज, आज हम एडिटिंग करने वाले हैं यहाँ पे स्नैपसीड एप्लीकेशन की मदद से। तो स्नैपसीड एप्लीकेशन को आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। देन जो एडिटिंग कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे होने वाला है, वो एडिटिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है बैकग्राउंड ब्लर के साथ साथ बुके इफेक्ट, जो बिल्कुल DSLR से जैसे फोटोज क्लिक की जाती है एग्जैक्ट वैसी फोटो एडिटिंग आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए गाइज हम यूज़ करने वाले हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन, देन एक बैकग्राउंड को यूज़ करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छा आपको बुके इफेक्ट देखने को मिलेगा। और बुके इफेक्ट गाइज बिल्कुल कमाल के यहाँ पे नेचुरल होने वाला है, और जिससे आप अपनी फोटोज यहाँ पे एडिट करोगे तो गाइज एकदम बवाल की यहाँ फोटो एडिटिंग आपकी होने वाली है। तो पूरा फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी आसानी से आप अपनी इस फोटो एडिटिंग को यहाँ पे कर पाओगे और इजीली आप अपनी फोटोज़ को भी एडिट कर पाओगे। तो वीडियो आपको पूरा यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा, जो स्टेप्स गाइज आपको बताऊँ इस वीडियो के अंदर सारे के सारे आपको फॉलो करने, देन अपनी भी फोटोज़ को बिल्कुल एक कमाल के सनसेट की तरह फोटोज एडिट आपको यहाँ पे कर लेनी है। तो आई होप गाइज आपको फोटो एडिटिंग यहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगी। तो वीडियो आपको पूरा यहाँ पे वॉच करना है, अगर पसंद आ जाता है वीडियो गाइज तो आपको यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है आगे इस टाइप की एडिटिंग्स के लिए। और चलते हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ताकि आप सारा प्रोसेस यहाँ पे सीख सको। सो गाइज, आपको यहाँ पे सबसे पहले आ जाना है अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में और आपको इस बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड कर लेना है। बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे पेंसिल ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहीं से गाइज आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो कुछ ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे डबल एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिलेगा, तो इस पर आपको यहाँ पे जस्ट टैप कर देना है। डबल एक्सपोजर पे आप जैसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे प्लस आइकन का एक ऑप्शन मिलेगा फोटो का, इस पर आपको टैप करके यहाँ से गाइज आपको अपनी फोटो को ऐड कर लेना है जिसपे आप अपने इस बैकग्राउंड पे सेट करना चाहते हो। सो गाइज, फोटो को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, तो अब यहाँ पे आपको इसकी ओपेसिटी फुल करनी है। पहले तो आप इसको कम कर दिया, इस फोटो को अपने बैकग्राउंड पे आप अच्छे से एडजस्ट कर लेना है कि कितना आपको साइज में रखना है फोटो को, देन अच्छे से एडजस्ट करके आपको इसकी ओपेसिटी को फुल 100 आपको यहाँ पे कर देनी है। तो आपको ड्रॉप वाला ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है आइकन, इस पर टैप करके आप ओपेसिटी को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। तो 100 करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट स्टैक्स के नाम से, यहाँ पे आएंगे व्यू एडिट्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डबल एक्सपोजर में आएंगे, ब्रश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको कॉर्नर पे कुछ आप ट्रायंगल के साथ एक सर्किल नजर आ रहा है तो इस वाले ऑप्शन को आपको ब्लू कर देना है, देन आपकी फोटो इन्वर्ट हो जाएगी। अब जस्ट आपको इरेज करना है बैकग्राउंड को, तो काफ़ी आसानी से गाइज आप ये कर पाओगे। आपको बस जस्ट थोड़ा सा टाइम लेके आपको अच्छे से अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे इरेज करना है और काफ़ी शार्प एजेस आपको यहाँ पे क्लियर करना है ताकि आपकी फोटो यहाँ पे फेक नजर नहीं है। तो गाइज मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से करना चाहूँगा ताकि वीडियो हमारे यहाँ पे ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको चीज़ समझ में तो आई गई कि कैसे आपको बैकग्राउंड को यहाँ पे इरेज करना है। फोटो को जितना हो सके उतना आपको जूम कर लेना है अच्छे से और बिल्कुल एजेस पे से आपको इरेज करना स्टार्ट करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, लेकिन गाइस परफेक्टली आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड यहाँ पे काफ़ी शार्प तरीके से इरेज हो जाएगा। तो जस्ट मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे एडिटिंग हमारा वीडियो लंबा यहाँ पे ना हो। तो फाइनली हमने बैकग्राउंड यहाँ पे अच्छे से इरेज कर लिया है, देख सकते हो आप। यहाँ से करते हैं राइट डन, बैक एरो पे बैक आएंगे कॉर्नर से और यहाँ पे गाइज हम अब क्लिक करेंगे यहाँ पे पेंसिल ऑप्शन पे, यहाँ पे हम सेलेक्टिव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्टिव वाले टूल्स की मदद से गाइज यहाँ पे हम अपने सबसे पहले तो क्लोथ सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा वाइटनेस आ रही है हमारी जैकेट के अंदर, तो आपको भी अपने क्लोथ से या जो कुछ भी हो उसका आप कलर चेंज करना चाहते हो, आपको सेलेक्ट करके उसकी ब्राइटनेस सैचुरेशन एंड कॉन्ट्रास्ट वगैरह आपको अच्छे से एडजस्ट करना है, डिक्रीज इंक्रीज करके आपको देखना जितना आपके यहाँ पे परफेक्ट लगे। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइज मैं इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहूँगा तो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम रखूँगा। इसके बाद मैं आपको फेस सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपका फेस थोड़ा सा डल आ रहा है, ब्लैक हो रहा है, तो अपने सर्किल से फेस को सेलेक्ट करके इसके ब्राइटनेस को इंक्रीज करके सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज करके आप काफ़ी अच्छा अपना फेस भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा आपका आसानी से यहाँ पे फेस ब्राइट भी हो जाएगा, तो काफ़ी आसानी से गाइज आप ये चीज़ यहाँ पे कर पाओगे। देन मल्टीपल आप कर सकते हैं यहाँ पे जिन चीज़ों को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो जैसे मैं टी शर्ट को सेलेक्ट कर लिया हूँ, इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करके हल्का सा स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर दूंगा ताकि अच्छी डिटेलिंग हमारी पिक में आ जाए। इतना हो चुका है, अब यहीं से अगेन पेंसिल ऑप्शन पे हम टैप करेंगे अगेन, और टैप करने के बाद में गाइस हम यहाँ पे आ जाएंगे पोर्ट्रेट पे, एंड पोर्ट्रेट पे आने के बाद में फेस हमारे यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा। तो आपको स्मूथ वन या स्मूथ टू जो भी आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे स्मूथ वन सेलेक्ट करूँगा। देन इसके बाद में भी गाइज आप स्किन स्मूथिंग को बढ़ा सकते हो और फेस स्पॉटलाइट आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा स्किन स्मूथिंग हल्की सी इंक्रीज करूँगा यहाँ पे 30 या 40 के आसपास। देन आई क्लियरिटी भी आप इंक्रीज कर सकते हो, मेरे सनग्लासेस आ रहे हैं तो आई क्लियरिटी का इतना कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। इतना हो चुका है, अगेन पेंसिल ऑप्शन पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऊपर डिटेल्स पे आएंगे, हल्का सा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम यहाँ पे
थोड़ा सा कम रखेंगे यार, और शार्पिंग को इंक्रीज कर देंगे। चाहो तो आप स्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हो, लेकिन ऑलरेडी हमारी फोटो में डिटेलिंग है, तो स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा कम रख के शार्पिंग इंक्रीज कर देंगे। तो पिक देख सकते हो काफ़ी अच्छा हमारा चेंज आ चुका है, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। तो अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, वाइट बैलेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हल्का सा हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा येलो आ रहा है, तो टेम्परेचर हम थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, सनलाइट वाला हमारा इफेक्ट आएगा। देन हल्का सा टिंट को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, ओनली -10 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, -5 या 10, तो इतना कर देंगे। और काफ़ी अच्छा हमारा येलो टोन हमारी पिक में आ चुका है। तो सारी चीज़ें हमारी सेट हो चुकी है। लास्ट वाला जो चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो पेंसिल ऑप्शन पे क्लिक करके टू यूनिवर्स पे आएंगे और यहाँ से गाइज हम इसकी ब्राइटनेस हल्का सा बढ़ाएंगे, थोड़ी सी लाइटिंग आए, हल्की सी सैचुरेशन भी इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 के आसपास। एमएस को भी आपको हल्का सा इंक्रीज करना है। हाईलाइट्स आपको अपने पिक के अकॉर्डिंग बढ़ा लेने की, आपकी पिक कितना मैच कर रही है यहाँ पे। शेडोज जरूर गाइज आपको माइनस में रखना है, और एक वार्म आपको +10 के आसपास आपको यहाँ पे रखना है। तो फाइनली गाइज आपकी फोटो देखो कितनी कमाल की यहाँ पे नजर आ रही है, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। तो इस तरीके से आप अपनी एडिटिंग यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।